लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दर्द का एहसास जिन्हें होता है रो सकते हैं, गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे अकलमंदों को, प्रेम दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब बाप के जूते बेटे के पैरों में आने लग जाएं, तो बाप को यह समझ जाना चाहिए कि बेटा बाप की जगह लेने के लायक हो गया है। इसलिए हमें आप सब लोगों को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम ये नई कंपनी बेटे को उपहार में दे रहे हैं। इस कंपनी का नाम भी हमने अपने बेटे के नाम पर ही रखा है, आशुतोष इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। आज की ये शाम, आज का ये जश्न, ये रौनक सब हमारे बेटे के नाम। आशुतोष जी आ गए। डैड, ये क्या है? ये तस्वीर है डैड। हमें मालूम है कि ये तस्वीर है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए? कमाल कर रहे हैं आप डैड, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की हैरानी ये बता रही है कि आप सब बेकरार हैं ये जानने के लिए कि ये कौन है। तो आइए इनसे मिलिए। ये है मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेरणा, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मेरी आंखों के सामने। जहां मैं, वहां ये। मैं इनके बगैर कोई काम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। इसीलिए आज की ये शाम, ये जश्न, ये रौनक सब इन्हीं के नाम। नटवरलाल, जिसने जेल में एक एक पल तुझे याद करके गुजारा है, और देख रहा हूं कि तू भी मुझे नहीं भूला। हम एक नमक हराम मुलाजिम को कभी नहीं भूलते नटवरलाल। तुम वही बेईमान आदमी हो जिस पर भरोसा करके हमने अपनी फैक्ट्री में नौकरी दी, और उस भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर तुमने हमारे मैनेजर ठकराल से मिलकर हमारी फैक्ट्री में गैर कानूनी धंधे किए, रिश्वतें खाई, बेईमानी की और लाखों रुपए का हवन किया। तुम्हारे चालाक मैनेजर ठकराल का ना ही तो तुम कुछ बिगाड़ सके और ना ही पुलिस। अभी तक फरार है वो। सजा तो मुझे हुई 7 साल की जेल, और 7 साल का सब बहुत लंबा होता है अर्जुन सिंह। उसी लंबे अरसे का हिसाब चाहिए मुझे, पूरे 50 लाख। वरना वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। सीधी तरह से मुझे 50 लाख रुपए दे दो, वरना वो तरीका भी आता है मुझे कि तुम अपने घुटनों के बल गिरकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और मुझे पैसे दोगे। Get out! निकल जाओ यहां से। जो जी मैं करो। सो तो मैं करूंगा ही, लेकिन याद रखना अर्जुन सिंह, उस वक्त तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा।
अरे गुरु, अबे खरगोश के बच्चे कहाँ मर गए थे तू? गुरु पता चला है कि ठकराल साहब हांगकांग में हैं। अबे बस पकड़ कर लॉज तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और तू हांगकांग की बात कर रहा है। मुझे पता था, तभी तो मैं उनका एड्रेस नहीं टेलीफोन नंबर लेके आया हूँ। हेलो, मैं नटवरलाल बोल रहा हूँ, बम्बई इंडिया से। मुझे ठकराल साहब से बात करनी है। ठकराल साहब, आपको इंडिया से किसी नटवरलाल का फोन है? ठकराल जब सोना तोल रहा होता है तो ठकराल के कानों तक मौत भी दस्तक नहीं दे सकती। ठकराल बिजनेस, नो टेलीफोन। वो आपसे बात नहीं करना चाहते? अरे भाई, मैं नटवरलाल उनका खास आदमी हूँ, मेरी उनसे बात करना बहुत जरूरी है। वो कह रहे कि वो आपके खास आदमी है। ठकराल के लिए खास सिर्फ उसका सोना है। फोन बंद। हेलो हेलो, नटवर, आपने आप को बहुत चालाक समझते हो। क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें कंप्लेंट मिली है कि तुमने अर्जुन सिंह जी को धमकी दी है। अगर तुमने उनके पास जरा भी फटकने की कोशिश की तो याद रखो, 7 साल की बजाय अब तुम्हें जिंदगी भर अंदर कर दूंगा, समझे? मैं वो कीड़ा हूँ जो एक बार जिस्म से लग जाए तो पूरा खून चूसने के बाद ही छोड़ता है। मैं अर्जुन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए यू डूइंग आत्महत्या? नो आई। सोमनाथ, ए नटवर, नटवरलाल, आई हियर यू। मैं तेरा हांगकांग चला गया था। लाइंग, मैंने तुझे जेल में भी ढूंढा। छूट गया क्या? अरे आई एम सर्चिंग फॉर यू यार। वो रिमेम्बर दैट लड़की, वो 20 साल पहले वो मेरे प्यार में मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, वो लड़की जिससे मैंने आपका पीछा छुड़ाया था और बदले में मुझे 25 रुपए मिले थे। आज तुम्हें फिर वही काम करना है। क्यों, फिर किसी लड़के के चक्कर में? नो, माय बेटी राधा, ओनली डॉटर। उसके पीछे एक मामूली घटिया ऑर्डिनरी एक गरीब घर का लड़का पड़ा है। अच्छा, और प्रॉब्लम की ये बात है कि वो भी उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मैं उनका प्यार ब्रेक करना चाहता हूँ। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो ओनली यू। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ 25 रुपए में? नो वरी, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगा। हा? लेकिन वर्क हो जाने के बाद। पैसों की तो मुझे भी सख्त जरूरत है। हाँ तो ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, आप मेरा काम कर देना। तो सिर्फ कार पुणे जाएंगे, माय हाउस। आइसक्रीम किंग सेठ सोमनाथ यादव की डॉटर और एक ऑर्डिनरी हवालदार के बेटे के साथ लाओ। मैंने राधा को कितनी बार समझाया कि लुक राधा, अब हम कुल्फी नहीं रहे, हम आइस फ्रूट बन गए हैं और स्टिल कॉन्स्टेबल, रिश्ता इम्पॉसिबल। लेकिन वो मानती ही नहीं। सी नो हियर ओनली लॉस्ट इन लव लाइक वॉटर लॉस्ट इन दूध। और वो लड़का एक नंबर का कमीना, गरीब है ना, वो राधा के हार्ट में ऐसे घुसाई जैसे टूटी फ्रूटी में कॉकरोच। ओहो, तो कॉकरोच को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए ना, सो इजी। आप अपना काम आसान करवाने के लिए तो मुझे पैसे दे रहे हैं। इधर इस हाथ में मार रखिए, उधर राधा के हाथ से प्रेम की लकीरें। A B C D E F G H A B C D E F G H I J K L M N O P P P P P P ya G G G G G ya P ya tune mera G ya le liya P P P P P ya G G G G G ya P ya tune mera G ya le liya maine jo kiya wahi tune bhi kiya maine jo kiya wahi tune bhi kiya liya diya jiya pyar jo maine kiya P 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 ya G G G G G ya मैंने जो किया वही
मेरे प्यार के हैं, तेरे मेरे प्यार के हैं, तेरे मेरे प्यार के हैं इससे मशहूर, तेरे मेरे प्यार के हैं इससे मशहूर, और अब
इस इंटर कॉलेजिएट डांस कॉम्पिटिशन का वो आखिरी आइटम जिसका आप सबको इंतजार है, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस साल ये काम खास एक ऐसी हस्ती को सौंपा है जो संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो यहां आए और आज का विजेता घोषित करके उसे पुरस्कार दे। आइए श्री आशुतोष अर्जुन सिंह जी। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स। हाय। बहुत दिनों बाद संगीत और नृत्य का इतना अच्छा संगम देखा, बहुत मजा आया। पर इन कलाकारों ने तो मेरा काम और भी मुश्किल कर दिया। इनाम दूं तो किसे दूं? बिकॉज यू ऑल आर विनर्स। और इन विजेताओं में सबसे पहला नंबर है, पहला पी 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 आ। भाई तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे ये तो हमारे कॉलेज के लैला मजनू है। तो फिर ये इनाम एक ही जगह रहेगा या बांट लोगे? आधा आधा। मनु ये तू ले और ये मैं। ये नाम है? जी हाँ, मेरा हिस्सा मेरे पास, उसका हिस्सा उसके पास। किसके पास? माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, माय ड्रीम गर्ल, माय कुचिकु, माय लव, माय राधा। ओए, शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने ऐसी बात करते हुए? सुमित्रा, सुना तूने ये क्या बोल रहा है? वो लड़की भी ऐसी बात करती है क्या? जी बिल्कुल। बेड़ा गर्क, बदतमीज, दोनों बदतमीज, तू भी और वो आइसक्रीम वाले की लड़की भी। आपको अपने बेटे के बारे में जो कुछ भी कहना है कह दो, लेकिन खबरदार जो मेरी होने वाली बहू के लिए कुछ कहा तो। मनु, मनु, I love you, my sweet boy, my kuchiku। क्या कर रहे हो मनु? मनु, my house, right? राधा बेडरूम। छोड़ो ना मनु, क्या कर रहे हो मनु? Stop it, I love you, मनु। My sweetie pie, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you, मनु। Sleeping बड़बड़ा है, bad habit। अर्जुन सिंह से बदला लेने का ईंधन मिल गया है मुझे। क्या माल मिल गया गुरु? अरे माल नहीं बेवकूफ, एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसका इस्तेमाल जुर्म के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। मोहब्बत का हथियार, राधा और मनु की मोहब्बत का हथियार। लेकिन उनका अर्जुन सिंह से क्या लेना देना? यही तो तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा, यहाँ तक कि वो दोनों प्रेम दीवाने भी नहीं समझेंगे कि मैं उनसे क्या करवाने जा रहा हूँ। मेरा मास्टर प्लान क्या है? क्या है राधा बिटिया? कौन? मैं, तेरा चाचा। जी मैं आपका नाम भूल गई। नटवर, तेरा नटवर चाचा। हाँ, तेरा नटवर चाचा। मुझे कुछ काम है? है? हाँ बेटी, तेरे पास वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है? नहीं। स्वामी विवेकानंद की? जी वो थी, सहेली ले गई। क्या करूँ, दरअसल बात ये है कि जब तक मैं किसी महापुरुष की जीवनी नहीं पढ़ लेता मेरा दिन शुरू नहीं होता। हनुमान चालीसा? जी मेरे पास सिर्फ मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर है। तुम्हारा ना 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 ना, मुझे इन मारदार की किताबों से क्या लेना देना है। चलो तुम्हारा हाथ ही देख लेते। आप हाथ भी देखते हैं? हाँ, पिछले 7 साल से पंडित वाचस्पति शास्त्री के हाथ है ना, तो सीख लिया। 7 साल? हाँ? बताइए ना चाचा, बैठिए बैठिए, बताइए ना प्लीज। हाँ, बताइए। हाँ, बताइए प्लीज। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज का नाम माँ से शुरू होता है। लेकिन वो चीज इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। वो चीज तुम्हें मिल सकती है, लेकिन बीच में एक आधा है जिसका नाम
स से शुरू होता है। एकदम करेक्ट। पापा मनु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, तो उसका नाम मनु है? मनोहर। अरे शर्माती क्यों है बेटी है? मेरी विद्या कहती है कि ये बाधा दूर हो सकती है, और इस बाधा को दूर करने वाले का नाम शुरू होता है न से। न? हाँ। चाचू। अरे हाँ, न से तो मेरा ही नाम शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये शुभ कार्य करना होगा। लेकिन पापा बहुत जिद्दी हैं। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, तुम्हारी मनु से शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए बस तू एक बार मुझे मनु से मिलवा दे। वाह 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 बेटे, वाह वाह। अरे बेटी, हमें तुम्हारे मनु से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या राजयोग झलक रहा है चेहरे से। ऐसी जोड़ी तो कभी कभी मिलती है। तुम दोनों का ट्रांजिस्टर बैटरी के साथ है। हाँ चाचू, सिर्फ स्विच ऑन करने की देर है। अरे वो हम करवा देंगे। तो क्या आप हमारी शादी करवा देंगे? कब चाचू, बोलो ना कब। बहुत जल्द, बहुत जल्द वो लड़का राधा बेटी के साथ शादी करके आपकी सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठ जाएगा। ब्लैक कोबरा। हाँ। ये पॉइजन मुझे किल कर देगा। नेटवर्क सेव मी। फिकर मत कीजिए, सांप का जहर निकालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बस आप वही करते जाइए जो मैं आपको कहता जाऊं। थैंक यू पापा। पार्टी चल रही है। व्हाट फॉर? हमारे प्यार की 12वीं सालगिरह है अंकल। हाँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, केक भी है? हाँ हाँ, लीजिए ना, आप भी लीजिए। हाँ पापा, बहुत टेस्टी है। हाउ मच कॉस्ट दिस केक? इसकी कोई कीमत नहीं है अंकल, ये प्यार का केक है। हाँ, लव केक। फिर भी पैसे किसने दिए? हु पेड? जी मैंने पैसे दिए हैं। आई नो। ये कैंडल मनु पे। नो, दिस मैचेस मनु पे। नो, ये भी नहीं। वेरी बैड। यू ऑल फ्रेंड गिव चंदा फॉर दिस वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड भजिया। स्पीक, शादी की बात क्या करोगे? फ्रेंडली नेबर्स, डोनेशन फॉर घर खर्च, राधा मन्नू रिलीफ फंड। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? वही जो तुम सुन रहे हो। फॉरगेट लव, फॉरगेट राधा, फॉरगेट राधा से शादी। दिखाओ तेरे जेब में कितना। अंकल अंकल, शो मी हाउ। अंकल दिखाओ। एक रुपया। Only bus fare. See Radha purse. See? 1,000 rupees. Daily pocket money. तुम्हारे बाप को 1,000 पगार मिलती है? Tell? नहीं. इसीलिए नो प्यार नो शादी. मेरी बेटी को आदत नहीं है राशन की लाइन में खड़े रहने की. ना ही उसको आदत है बस फेयर के लिए छुट्टा पैसा गिनने की. अंडरस्टैंड? तुम लोग तो कंगाल हो. खुद का पेट भरने का तुम्हें प्रॉब्लम है. मेरी बेटी को क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, कहाँ रहेगी वो? Tell me, कहाँ रहेगी वो? जहाँ मनु रहेगा मैं वही रहूंगी. बहरहाल मैं मनु के साथ खुश रहूंगी पापा, क्योंकि हम प्यार करते हैं. हमारी जिंदगी पैसों से नहीं, मोहब्बत से कटेगी. हमारी मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है. आप हमें नहीं रोक सकते, हम जरूर शादी करेंगे. शादी करोगे? ओके, करो. लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये है कि लाइक मी यू ऑल्सो हैव बंगला, कार, मनी, इज्जत, माई बराबर, तभी मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी. कबूल है शर्त? अरे ये क्या कबूल करेगा. चल बेटी घर चले. ये तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे काबिल नहीं है. संगे मरमर कभी झोपड़ी में नहीं लगता, उसके लिए महल बनाना पड़ता है, समझे? चल बेटी. ठहरो, मुझे कबूल है.
आपने जो शर्त रखी है मैं उसे पूरी करूंगा। कार, बंगला, दौलत, शौहरत, इज्जत तो क्या, मैं राधा के लिए चांद तक धरती पे ले आऊंगा। और मेरा ये वादा रहा कि आपकी शर्त पूरी करने के बाद ही मैं पूरे बैंड बाजी के साथ आऊंगा राधा को प्याने। तेरी जैसी नहीं कोई, तेरी जैसी नहीं कोई, तेरे जैसी नहीं कोई दुनिया में जी, तेरे जैसी नहीं कोई दुनिया में जी। मेरी कसम तू है मुझे जान से अजीज, जान से अजीज। अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सीडेंट, पूरा सत्यानाश। लेकिन भाई साहब, चुप, साइलेंट, तुम्हारा सुना और फ्लॉप। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ओहो, नहीं भाई साहब, मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। हाँ, ओहो, अगर मनु ने आपकी झूठी शर्त को मान लिया है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस बेचारी राधा बिटिया की शादी कहीं और करवा सकते हैं। Why not? मैं जरूर करा सकता हूँ उसकी शादी किसी और से। नहीं भाई साहब, ये तो गलत होगा ना, वो बेचारी तो मनु से प्यार करती है। इस तरह से आप उसका दिल नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकता हूँ। नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकता हूँ। लेकिन कैसे? राधा के लिए ऑलरेडी 4 रिश्ता वेटिंग, 1 मुझे पसंद भी है, राधा को बहुत सूट करेगा, परफेक्ट मैच, रिच, टॉल, ब्लैक, हैंडसम। नो पापा, आप चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा तेरे साथ। लेकिन भाई साहब, तू नहीं समझ रही, तेरी भलाई इसी में है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। शांति भाई साहब, शांति, गुस्से से बात निकल जाएगी, लड़की हाथ से निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? भाग जाएगी। ना ना बेटे, ऐसा मत करना, वरना तेरे पापा कल ही तेरी शादी करवा देंगे। Exactly. तो फिर मैं आज ही घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ जा रही तू? ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, लड़की को कमरे में बंद मत कीजिए। हाँ जरूर करूँगा। चल, 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 भाई साहब, देखिए बेचारी रो रही है। बेचारी रो रही है भाई साहब। तू तब तक इस रूम में क्लोज रहेगी जब तक तेरी मैरिज नहीं होती। ए नेटवर्क, तुम इसमें नजर रखना, मैं फास्ट जाके इसका रिश्ता ज्वाइन करके आता हूँ। मैंने तो राधा के लिए अमीर बनने की शर्त कबूल की है और मैं शर्त पूरी करके रहूंगा। आफ्टर ऑल मेरे आत्मसम्मान का सवाल है, मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा। अच्छा, शर्त कबूल करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? क्यों पूछता, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल है? मेरा एक हाथ पड़ेगा तो सारे सवाल भूल जाएगा। 7 दिन तक दाढ़ी नहीं हुएगी गाल पर? तो आप दोनों गालों पे मारिएगा, मुझे एक गाल पे दाढ़ी उगाने का शौक नहीं है। अबे चुप, मैंने बड़े बड़े गुंडे, बदमाशों, चोरों, डकैतों को ठीक किया है, तू क्या चीज है? चल, मेरी बात और है, मैंने मोहब्बत की है, चोरी नहीं। मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। अब दरवाजा तो खोलिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। खामोश, लोहा सिंह की कैद से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। आप लकी है, उनमें से कोई आपका बेटा नहीं था। आप मुझे राधा से अलग नहीं कर सकते। ये आप क्या कर रहे हैं? बेवकूफ, अमीर बनने चला है, क्या करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, उसमें क्या है? मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राधा, 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 रा। वो सुन सकती है तो फिर चुप। राधा बेटी, राधा बेटी है? ले कुछ खा ले, कुछ खा ले। हाँ, मुझे भूख नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ तुझे भूख क्यों नहीं है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, और तू नहीं खाएगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ चाचू? ये चाकू बहुत तेज है, ये देख, ये देख, ये देख। हाँ, ये क्या बेटी, तू अपने चाचा को चाकू दिखाकर भाग जाना चाहती है? मुझे भागना तो भाग गया, लेकिन इस चाकू को मुझसे दूर रख, मुझे इस चाकू से बहुत डर लगता है। सॉरी चाचू, मैं जानती हूँ पापा आपको कितना डांटेंगे, लेकिन मेरा प्यार। अब शुरू प्लान नंबर 2। ये क्या कह रही हो बेटी, इसका मतलब भाई साहब कल ही तुम्हारी शादी करा रहे हैं? हाँ आंटी, मैं मनु से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो?
मनु, माय स्वीटहार्ट, माय स्वीटी पाई, माय कुचिकू। माँ, हमारी शादी करवा दो। अरे, इतना आसान है क्या? तुम्हारे पापा और भाई साहब कभी नहीं मानेंगे। तो चल, मैं तुझे घर छोड़ा दूँ। अरे? नहीं माँ, राधा और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम जान दे देंगे। लेकिन ये गलत है। आंटी, अगर आप हमारी जगह होती, तो आप क्या करती? मैंने जो किया करोगे? क्या? आओ, बैठो इस मोटरसाइकिल पर और भाग जाओ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटे। अक्सर माँ बाप अपनी दूरअंदेशी में इतनी दूर देखते हैं कि उन्हें नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती। जिन बच्चों की खुशी के लिए दुआ मांगते हैं वो उन्हें बच्चों की खुशी कुर्बान कर देते हैं। तुम्हारे पापा और भाई साहब को समझाने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही होगा। लेकिन तुम दोनों अपनी खबर मुझे करते रहना। और हाँ मन्नू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अपनी माँ की अमानत समझ के संभालना। हाँ माँ। ये लो चाबी, इस मोटरसाइकिल पर बैठकर जाओगे तो तुम्हारा प्यार जरूर कामयाब होगा। ऐसी क्या बात है इस मोटरसाइकिल में? इसी मोटरसाइकिल पर तो तुम्हारे पापा मुझे भगा कर लाए थे। हाँ। और फिर हम दोनों ने शादी की। बल्ले बल्ले, तुझे अच्छा आ गया मम्मी। आंटी, मुझे नहीं मालूम था कि अंकल इतने रोमांटिक है। फिर अब चलो जल्दी निकलो, फिर किसी दिन सुनाओगे हमारी लव स्टोरी। संभल कर जाना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सुमित्रा, ये क्या? अरे, ये क्या? सुमित्रा, मनु कहाँ गया? हेलो! मनु भाग गया। भाग गया? हाँ यार, कहीं दिखाई देता, इसका मतलब भाग गया। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? ना आप उसे बंद करते और ना वो भाग जाता। उसने ताला कैसे तोड़ा? मुझे क्या मालूम? मैं माँ हूँ उसकी। आप मेरा दर्द क्या जानते हैं? मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहिए ढूंढ के लाइए उसे। चुप रहे, चुप रहे। तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। चाहिए, चाहिए। वो सारा मोहल्ला सब उठा रखा है, यही कहीं होगा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। मनु, मनु, कहाँ है मेरी बेटी? वेर, क्विक। मेरा पुत्र कहाँ है? बता सोमू, मेरा मनु कहाँ है? ओवर स्मार्ट, माय बेटी यूर बेटे के साथ रनिंग एंड यू आस्क मी। तो इसका मतलब है वो दोनों साथ में भागे हैं, बदतमीज कहीं के। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? आप भी तो मुझे भगा कर लाए थे। ओह, फैमिली बिजनेस। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं जी, ये क्या कर रहे हो? बेटी बदनाम हो जाएगी। माय बेटी की फिक्र करने की नो नीड। थिंक योर बेटा नाबालिग को भगाने के जुर्म में 7 years जेल। हो जाना तो जेल, साथ तो क्या 20 साल हो जाने दो। मैं तो कहती हूँ दोनों घरों की भलाई इसी में है कि थोड़े दिनों के लिए चुप करके बैठो, अपने आप आ जाएंगे दोनों। भाभी राइट, वैसे माय मैन गया है उनको ढूंढने, विल फाइंड। लेकिन पुलिस को डोंट टेल, हरगिज डोंट। पुलिस को तो पता चल ही गया है। व्हेन, व्हाई, हाउ? अरे बेवकूफ, मैं खुद पुलिस हूँ। नहीं, इस वक्त आप एक बाप हैं, सिर्फ बाप। सर, कमरा नंबर 305। ये फॉरेन वाले कितनी अच्छी पिक्चर बनाते हैं ना। हाँ, इतना खर्चा भी तो करते हैं। फोटोग्राफी भी कितनी अच्छी होती है और एक्टिंग कितनी नेचुरल। नहीं वहाँ सेंसर भी इतना सेट नहीं होता ना, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब किसिंग वगैरह? किसिंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई अभी। वो कोई किसिंग है? खो खो, छुए और भागे। कैसे? ऐसे। हम तो सिर्फ पिक्चर देख रहे थे। छी 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 छी, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, परवानों का गला घोट दिया, सपनों को चकनाचूर कर दिया। अरे मैंने क्या क्या सोचा था, तुम लोगों ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मनोहर सिंह बल्द लोहा सिंह, तुम्हारा लोहा तो पीतल निकला, पीतल। अरे इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठे, तो बात 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 बात। ये सोच कर भी मुझे डर लगता है कि अब तुम्हारा होगा क्या।
क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, पुलिस होगा। पुलिस चारों तरफ घूम रही है, पुलिस तुम दोनों की तलाश में दो ही दिन में ढूंढ निकालेगी। ये सारा कसूर बनू का है, बनू का। मेरा? और नहीं तो क्या। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा मुंह खोल कर भाई साहब की अमीर बनने की शर्त को मंजूर करने क्या? अब भुगतो, भुगतो, हाँ, अगर तुम दो दिन में वो शर्त पूरी कर सकते हो तो मैं भाई साहब को मनाकर अब भी तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। लेकिन मैं दो दिन में कैसे अमीर बन सकता हूँ? वाह बरकरदार, वाह, ये भी खूब रही। सब सोच भी लिया तुमने और मुझसे ही पूछ रहे हो? हा? क्या सोचा मैंने? किडनैपिंग। किडनैपिंग? हाँ बेटी, किडनैपिंग। अरे वाह वाह, क्या ब्रिलियंट आइडिया है इसका, एकदम से अमीर हो जाने का सबसे आसान रास्ता। वाह 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 वाह, मैं भी चाहता तुझे कभी सोच भी नहीं सकता था। बेटी मनु का प्लान ये है कि वो किसी बहुत बड़े अमीर आदमी की औलाद को अगवा कर ले, उसके बदले में उससे एक खासी अच्छी रकम वसूल कर ले, रकम मिलते ही अगवा की हुई औलाद वापस, सब खुश। लेकिन चाचू किडनैपिंग? अरे किडनैपिंग तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी है। मतलब? मतलब ये कि जैसे अभी भी तुमने राधा को किडनैप किया। लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से भागी हूं। हाँ, लेकिन पुलिस की नजर में तो ये किडनैप ही हुआ ना। लेकिन वो बात और थी, ये बात और है, इसमें तो खतरा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या, चलो वापस। तुम अपने बाप के घर और तुम अपने बाप की जेल। 7 साल की सजा काट कर जब वापस लौटोगे तो राधा पराई हो चुकी होगी और दो बच्चों की माँ। कौन है? पुलिस। मैंने कहा था, चलो चलो चुप जाओ, बात करो, चुप जाओ, चलो। यस इंस्पेक्टर, सुना है एक लड़का एक नाबालिग लड़की को भगा कर यहाँ लाया है। यहाँ इस कमरे में? नो नो इंस्पेक्टर, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और अब आप हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम दोनों में से ना ही तो कोई नाबालिग है और ना ही कोई लड़की है। ठीक है ठीक है, वो जहाँ कहीं भी होंगे पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। कानून के दांत बहुत लंबे होते हैं। क्या वो कुछ गलत हो गया? डर लग रहा है क्या राधा? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मनु। चाचा मैं बचाओ। आप जो कहेंगे हम करेंगे। अरे भाई मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, ये तुम्हारा ही तो आइडिया है मनु। अब ये बताओ कि किडनैप किसे करोगे? गुड क्वेश्चन, हम किडनैप कैसे करेंगे? अगर यहाँ तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन है अर्जुन सिंह, मेरे बहुत से पैसे खा गया है, वापस नहीं करता। उसका एक इकलौता लड़का है। कितना बड़ा? इतना ये तो बहुत बड़ा है। हाँ? अरे भाई रकम भी तो बहुत बड़ी मांगोगे। हाँ? कितनी मांगो? 10 लाख। बस सिर्फ 10 लाख? अरे भाई महंगाई का जमाना है, 10 लाख से क्या होता है। वो कमबख्त अर्जुन सिंह मेरे 50 लाख रुपए ऑर्डर कर चुका है। कम से कम 1 करोड़ मांगना, 50 तुम्हारे 50 मेरे। यस 50-50, सब खुश। लेकिन उसे किडनैप हम करेंगे कैसे? मर गया? नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। बिल्कुल इसी तरह तुम इस रुमाल पर जो क्लोरोफॉर्म डालकर आशुतोष को बेहोश कर देना और फिर उसे किडनैप करके आपके पास ले आएंगे। हाँ, तो नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, देखो वो है उसका हॉलीडे होम, वो आज रात के लिए सिर्फ यहाँ ठहरा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ओके चाचू। ओके चाचू। वाओ ब्यूटीफुल। हेलो, कौन जी? वो हम लोग रास्ता भूल गए थे, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। कैसा रास्ता? जी वो रास्ता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला रास्ता। एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स तुम कॉलेज के लला मजनू? हाँ, ये राधा है, मैं मनु। तुम यहाँ रहते हो? कभी कभी आ जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है अंकल? अंकल क्या मैं अंकल दिखता हूँ? माय नेम इज अशुतोष, कैन कॉल मी अशुतोष।
अच्छा तो तुम्हारा नाम आशुतोष है और तुम यहाँ रहते हो? हमें तो मालूम ही नहीं था। इतनी सारी तस्वीरें लगा रखी है, क्या तुम फोटोग्राफर हो? नहीं नहीं, ये सारी तस्वीरें मैंने अपने दिल के कैमरा से खींची। ये मेरी लव स्टोरी है और ये मेरी मोहब्बत का ताजमहल। जब भी मेरा दिल करता है तो मैं यहाँ आकर अपनी शिवांगी से बातें करता हूँ, खूब सारी बातें, है ना शिवांगी? How romantic. मनु, तुम्हारे पास मेरी कोई पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं है। ये तुम्हारी तस्वीर क्यों रखेगा, तुम इसके साथ जो हो। एक मिनट। अच्छा पकड़ गए। शिवांगी का कहना है कि तुम दोनों अपने घर से भाग आए हो। इसे कैसे पता चला? इसका मतलब तुम लोग सचमुच घर से भाग आए हो। वाह क्या बात। सुना शिवांगी, ये सचमुच घर से भाग आए हैं, इसे कहते हैं प्यार, ये होते हैं प्रेम दीवाने। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, वेल डन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी वो मैं नाबालिग हूँ ना, जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब। हाँ, और फिर माँ बाप का आशीर्वाद भी लेना है ना। गुड, वैसे प्लान क्या आप लोगों का? किडनैपिंग। मैंने कहा कि हम कॉफी पियेंगे। हाँ कॉफी पियेंगे। अच्छा अच्छा, शायद मैंने गलत सुना, अभी ले आता हूँ। ये बताओ तुम बालिग कब बनोगे? इसी महीने। अच्छा तब तक क्या करोगे? तब तक लोनावला में रहेंगे। लोनावला, वहाँ कौन है? मेरे चाचा वहाँ रहते हैं। चाचा? अच्छी मनु, छींकते वक्त रुमाल अपने नाक पे रखना चाहिए ऐसे, और घर से भागकर सीधे अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते, पुलिस पहले वहीं आती है। नाक पर बसा। क्या हुआ मनु? क्या हुआ क्या मालूम, आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। You're absolutely right. पर फिकर मत करो, सोफे पे आराम करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हाँ। अब तो सब कुछ तुम ही पर छोड़ना पड़ेगा। हे मनु, मनु किचन में है, जल्दी जाके यूज करो। चलो मनु, जाओ जाओ। बहुत मजा आ रहा है राधा। बहुत मीठी मीठी नींद आ रही है। चल चलो उठो मनु, चलो चलो चलो। तुम भी ट्राई करो, तब मजा आएगा। Deep
पर पतंगे और भवरे दीपक पतंगे और भवरे पतंगे फूल और भवरे दीपक पतंगे फूल और भवरे
अरे बाबा, पुलिस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे साथ बॉम्बे चलो। आशुतोष, आशुतोष वे, आशुतोष पुलिस तो वहां भी आ सकती है। क्या है आशुतोष, लोनावला में हमारे पास रहने की जगह है, बॉम्बे में हम रहेंगे कहाँ? मेरे घर में। और तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वालों से मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तुम दोनों घर से भागे हो। मैं तो ये कहूंगा कि तुम दोनों शादीशुदा हो, हनीमून मनाने के लिए बॉम्बे आए हो। लेकिन आशुतोष, लेकिन बेकिन ज्यादा करोगे तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। पुलिस स्टेशन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, लेट्स गो टू बॉम्बे। चलो आंटी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मदारी। जीत रहो, हमने पहचाना नहीं। हाँ, ये आशुतोष के दोस्त का भाई है, नई नई शादी हुई है, हनीमून के लिए आए। अच्छा अच्छा, जरा अपने साहबजादे को समझाइए, कुछ सीखे इनसे, ये उम्र होती है शादी करने की। चलो चलो, मैं आप लोगों को अपना रूम बता दूं, डैडी थके होंगे, उनको आराम करने दो। कमान 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 कमान। वाव, क्या बात है, यहाँ भी? उफ, मैं तो बहुत थक गई, घर से भागने में इतनी थकान होती है, मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ सच, मुझे ही बहुत नींद आ रही है। आशुतोष तुम भी सोचो। हाँ तो कहीं बात मिलते हैं। उठो उठो जल्दी। क्यों, क्या हुआ? तुम क्या शादी और हनीमून की बात को सीरियसली ले रहे हो? चलो उठो। पर आशुतोष वो... कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ राधा यहाँ सोएगी, तुम गेस्ट रूम में सोओगे मेरे साथ, समझे? चलो एक मिनट एक मिनट, एक बार गले मिल लूं। मैंने एक बार पप्पी ले लूं। क्या पप्पी? एक बार चल रहा है। राधा राधा, हम यहाँ क्यों आए हैं? भजिए खरीदने। अरे कपड़ों की दुकान में, और क्या खरीदोगे, कपड़े ही ना। हुँ? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। नए जोड़े के पास नए कपड़े होना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे पसंद के कपड़े वहां मिलेंगे, मैं यहाँ कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, कमान कमान लेके स्नैपी। कुछ भी कहो, बम्बई बम्बई है। ये ले लो। हाँ। क्या हुआ? कितना अच्छा है। तो ले लो। हाँ। मैंने उसे कहा जाने के लिए कहा था, क्या क्या करो तुम लोग? वो क्या है चाचा जी, हमने उसे इतनी बार कहा कि लौटना चलो, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। चुप, तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, किसी भी तरीके से उसे कल लोनावला लेकर आओ, अगर वो नहीं माने तो इसका इस्तेमाल करो। बंदूक? तुम लोग कपड़े खरीद रहे हो, कपड़ों का इंटरव्यू ले रहे हो? हाँ? अरे ये वापस क्यों रख ली? अच्छी नहीं है। अच्छा, काफी अच्छा है। नहीं 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 नहीं, क्या? नहीं नहीं, फैंटास्टिक। एक काम करो, मैं इसे पैक करवा देता हूँ, तुम लोग कुछ और ले लो। ओके लेकिन चाचू के पास बंदूक कैसे आई? अरे मेरी बंदूक कहाँ गई? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि तुम बहुत अमीर हो ना। हाँ इतना तो हूँ कि खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि जेब में इतने पैसे है या नहीं। अमीर होना कितना अच्छा होता है ना। काश मैं भी अमीर होता। तो क्या होता? तो मेरी शादी हो चुकी होती। मनोहर, अमीर आदमी कभी कभी इतना गरीब होता है कि उसके पास पैसे के सिवा और कुछ नहीं होता है। शिवांगी, 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 रुको रुको वहीं रुको। जीती रहो, तुम्हारी लिपस्टिक हमेशा तुम्हारे कपड़ों से मैच करे, तुम्हारे सैंडल कभी भरे बाजार में ना टूटे, और अगर टूटे भी तो किसी जूतों की दुकान के सामने। अरे यार यही चक्कर क्या, मुझे भी तुम्हारे पैर छूने पड़ेंगे। अरे रे, आज करवा चौथ है।
जहाँ तक मेरा ख्याल है ये व्रत तो पत्नियाँ पतियों के लिए रखती हैं। कुछ लड़कियाँ अपने होने वाले पति के लिए भी रखती हैं। You mean this नालायक? अरे खबरदार, अगर मेरे होने वाले पति को गाली दी तो। तुम जो मेरे होने वाली पत्नी को भूखा मारी उसका क्या? भूखा का मार रही हूँ, मैं तो अपने होने वाले पति की लंबी उम्र के लिए उपवास कर रही हूँ। उपवास तो मेरा भी चल रहा है। आओ, मैं तोड़ देता हूँ। ये उपवास तो तुम शादी के बाद ही तोड़ना। एक बात बताओ, क्या ये व्रत का असर होने वाले ससुर पर भी होता है? क्यों? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? कल दोपहर 3:30 बजे। लेकिन तुम तो रहोगे ना? अनफॉर्चुनेटली मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, और वैसे भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहू और ससुर के बीच में बेटे का क्या काम। लेकिन मैं उनके साथ क्या बात करूंगी, मुझे डर लग रहा है। उसमें डरने की क्या बात, वो ही पूछेंगे जो दुनिया भर के ससुर दुनिया भर के बहू से पूछते हैं, कितने पोते होंगे, कितनी पोतियां होंगी, जल्दी होंगी, लेट होंगे। लेकिन एक शर्त है शिवा। क्या? बच्चे कितने भी हो, सब तुम्हारी तरह हो। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? बहुत। और तुम पर मेरा ये प्यार मुझे बहुत प्यारा लगता है। जी करता है, जी करता है। देख मेरे चांद को, ये तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा हसीन है। अरे कल तो तू डूब जाएगा, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्या नाम बताया तुमने? शिवांगी, शिवांगी मेहरा। ओ हाँ, बैठो ना, पढ़ाई तो खत्म कर चुकी होगी? जी। आजकल क्या कर रही हो? जी मैं एक डांस स्कूल में डांस सिखाती हूँ। और तुमने हमारे लाडले बेटे को भी नाचना सिखा दिया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर होने के बाद पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। कहाँ? जी वो मैं नहीं जानती। हम जानते हैं। चपरासी, चपरासी। जी साहब। यही है ना तुम्हारे पिताजी? पिताजी, आप ही? बेटी, जब और कोई काम नहीं मिला तो पैसों की खातिर मुझे चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। ये है तुम्हारी हैसियत, एक चपरासी की बेटी होकर अमीर आदमी की बहू बनना चाहती हो, गंदी नाली में रहकर आसमान छूना चाहती हो। अर्जुन सिंह जी, आपको ये रिश्ता इनकार करने का हक है, मगर मेरे पिताजी की मजबूरी का अपमान करने का नहीं। मजबूरी नहीं, दूरंदेशी। आशुतोष को अपने जाल में फंसाने की साजिश तुम बाप बेटी ने मिलकर की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वरना हर खूबसूरत गरीब लड़की किसी करोड़पति की बहू होती। हमने जलील बाप तो बहुत देखे हैं, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी से धंधा करवाने का ये ढंग आज हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो बेटी, जाओ, निकल जाओ इस ऑफिस से ही नहीं, हमारे बेटे की जिंदगी से भी निकल जाओ, वरना तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि कहीं और धंधा करने के लायक भी नहीं रहोगी। शिवांगी, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ शितुल, मैं समझती थी कि शादी दो इंसानों में होती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी से पता चला कि शादी एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं, एक बैंक बैलेंस की दूसरे बैंक बैलेंस के साथ, एक हैसियत की दूसरे हैसियत के साथ, एक रुतबे की दूसरे रुतबे के साथ होती है। शिवांगी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, या तो तुम मुझे खुश कर सकते हो या अपने पिताजी को। मेरी खुशी की चिंता तुम मत करो, तुम अपने पिताजी की खुशी की खातिर अपने हैसियत की लड़की के साथ शादी करो। शिवांगी, हम लोग गरीब है आशुतोष, हमारी इज्जत हमारा मान ही हमारी पूंजी है। जहाँ मेरे बाबूजी की इज्जत ना हो, जहाँ मेरी गरीबी को मेरा दोष समझकर मुझे जलील किया गया हो, जहाँ मेरे चरित्र पर उंगली उठाई गई हो, मैं उस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते हैं। तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब तुम मेरा भी फैसला सुन लो। शिवांगी, अगर आपकी बहू नहीं बन सकती तो ना सही, वो मेरी बीवी जरूर बनेगी। शाबाश, बहुत खूब। 25 साल में जिस बाप ने तुम्हें बच्चे से एक आदमी बनाया वो कुछ भी नहीं, और जिस लड़की को तुम सिर्फ 25 महीनों से जानते हो
उसे तुमने अपनी जिंदगी बना दिया। क्या अपने बाप को बता सकते हो ऐसी क्या खूबी उस लड़की में? उस लड़की में ये खूबी है कि वो मेरे माँ बाप की खुशियों के लिए अपने खुशियों का गला घोटने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी जिद, अपने अहंकार, अपने रुतबे के लिए अपने बेटे की खुशियों का गला घोटने के लिए तैयार है, ये फर्क है आप दोनों में, जो आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप हर इंसान को दौलत के तराजू में तोलते हो, लेकिन जब इस तराजू में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती तो फिर बाप होने का रिश्ता किस बिना पर जतला रहे आप? आशुतोष, क्या हुआ? एक बाप अपने बेटे से बाप होने का सबक सीख रहा है। आशुतोष, ये मैं क्या सुन रही हूँ? यही कि इतने बड़े घर में एक बेटे के लिए तो जगह है, लेकिन उसकी खुशियों के लिए नहीं। ये सब क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? आप ही बताइए ना, क्या बात है? ये चाहता है कि अपने नौकर की बेटी को हम अपनी बहू बना लें। हमसे उम्मीद की जा रही है कि अपने साहबजादे के कीमती जूतों के साथ जो गंदगी इस घर में चली आएगी उसे भी स्वीकार करें, इस खानदानी घर को एक नाचने वाली का कोठा बना दें। रुक जाइए, अगर मेरी जुबान बदतमीजी पर उतर आई तो क्या इज्जत रहेगी आपकी मिस्टर अर्जुन सिंह? तुम्हारी ये हिम्मत, ये मजार, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? रुक जाइए, जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं आप, मुझे मारना चाहते हैं तो कम ऑन, हिट मी, हिट मी। चुप रहो, चुप रहो तुम लोग। Get out of my house. तबाह हो जाओ और फिर शक मत दिखाना। मेरी शादी में सिर्फ तेरे आशीर्वाद की जरूरत है माँ, चल मेरे साथ। ये नहीं जाएगी, ये आपकी जागीर नहीं, मेरी माँ है, ये हमारी बीवी है। आप लोग भगवान के लिए खामोश हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम वही चाहोगी जो तुम्हारा पति चाहता है। ठीक है माँ, मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम पे पहला हक तुम्हारे पति का है। But I'll miss you, Mom. I love you. रोकिए उसे, भगवान के लिए उसे रोकिए। जाने दो उसे। आपको मेरी कसम, रोकिए उसे। फैसला उसका है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? आशुतोष, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी भी वक्त है, सिर्फ दो लफ्जों की बात है, बोल दीजिए रुक जाओ। ये सिर्फ दो लफ्जों की बात नहीं है सुमन, ये जमीन आसमान की बात है जो कभी नहीं मिल सकती। आशुतोष, आशुतोष बेटे। मिस्टर सिंह, अब ये खतरे से बाहर नहीं है। अब तो बहुत रात होने लगी है प्रभाकर जी, और कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? ये चिट्ठी शिवांगी को दे देना, वो सब समझ जाएगी। जी। बेटी, ये चिट्ठी छोटे साहब ने दी है। शिवांगी, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है कि सिर्फ एक तुम्हारे लिए मैं अपने माता पिता, अपनी इज्जत, दौलत, शौहर नहीं छोड़ सकता। ये सच है कि मेरी आंखों पर तुम्हारी मोहब्बत का पर्दा पड़ा था, पर ये पर्दा फट चुका है। मेरी तुमसे ये सलाह है शिवांगी कि तुम अपनी बराबरी का कोई अच्छा सा पति ढूंढ कर अपना घर बसा लो। आशुतोष, खत पढ़ लिया शिवांगी? तुमने ठीक कहा था शिवांगी, आशुतोष ने हमसे नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा उसने हमसे, उसने खुद ही यह फैसला किया कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा।
हर बाप तुम्हारे बाप की तरह प्यार जतलाकर औलाद को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनका प्यार सच्चा होता है और जिनकी औलाद उस प्यार को ही चुनती है। हम बहुत खुश हैं अपने बेटे से। अब देखना हम किस धूमधाम से शादी करेंगे अपने बेटे की किसी बराबर की हैसियत वाले खानदान में। मगर अब तुम्हारा क्या होगा शिवानी? लड़की जब एक बार सुहाग का जोड़ा पहन ले और उसकी शादी ना हो तो वही जोड़ा उसके लिए कफन बन जाता है। हाथों की मेहंदी तो ऐसे लगने लगती है जैसे किसी ने लोहा गर्म करके दाग दिया हो। इस बदनामी के बाद तुम्हें तो मर जाना चाहिए शिवानी। लेकिन फिर भी अगर तुम ये बदचलनी की जिंदगी जीना चाहो तो जाओ, किसी दूसरे शहर में जाकर किसी अमीर बाप के इकलौते बेटे को ढूंढो और उसे फंसाओ। अर्जुन सिंह, अगर मेरी बेटी के बारे में तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हारी एक गंदी जबान बाहर खींच लूंगा। जाओ जाओ, जाकर कह दो अपने बेटे से कि वो मर गया हमारे लिए, उसका नाम उसका वजूद मिट चुका हमारे लिए। जाओ जाकर कह दो उसको हम भूल चुके हैं उसे। नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। आशुतोष के इस अपमान को मैं मंगलसूत्र की तरह अपने गले में बांध कर रखूंगी ताकि रात दिन सोते जागते ये मुझे चुभता रहे, नासूर बनता रहे और मेरी नफरत की आग कभी ठंडी ना हो, कभी नहीं। हम आशुतोष को जरूर किडनैप करेंगे। हाँ मनु, आशुतोष को जरूर किडनैप करेंगे हम और लुनावला ले जाएंगे। लव यू मनु। बस एक ही दिन का टाइम है मनु, सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। अगर हम उसे बहला फुसला कर लुनावला नहीं ले गए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम अमीर नहीं बनेंगे, हमारी शादी नहीं होगी। शादी, लोनावला, आशुतोष। गुड मॉर्निंग आशुतोष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे कोई खास गुड नहीं है ये मॉर्निंग, बहुत बोर हो रहा हूँ। चलो पिकनिक मनाने लोनावला चलते हैं। लोनावला? हाँ लोनावला। You serious? Of course, उसमें मजाक की क्या बात है? मतलब सचमुच लोनावला जाना है? भाई झूठ मूठ लोनावला कैसे जाते मुझे नहीं मालूम। चलो अभी चलते हैं। हम लोग अभी सामान मांगते हैं, चलो। अबे वो खरगोश के बच्चे, अंदर जाकर देख क्या कर रहे हैं वो लोग। पैकिंग हो गई? राधा, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है क्या? मतलब? मतलब आशुतोष इतना अच्छा आदमी है, दर्पण चाची भी इतने अच्छे हैं, कितनी मदद कर रहे वो हमारी, और एक बार पैसे मिल गए तो आशुतोष अपने घर वापस, सब खुश। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। चलो चलो भाई, तुम लोगों ने सामान रख दिया? हाँ, कब से रख दिया? गुड। तुम पिकनिक मनाने जा कहाँ रहे हो? अरे इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? मुझे लगता है इन लोगों को लोनावला बहुत पसंद है। क्यों? चलो चलो चलो, I love you mom, bye bye। लोनावला
मजनू रांझा, इन तीनों को तुमने मात दे दी। चुप बेशरम, I'm getting disturbed out here। जाइए अपनी जूलियट लैला हीर वगैरह वगैरह के साथ जाकर बैठ। यार यू आर ग्रेट यार। कम ऑन कम ऑन। हाय। लॉन्ग लिव रोमांस। यस, हम अर्जुन सिंह बोल रहे हैं। आप बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। हमने आपके बेटे आशुतोष को किडनैप कर लिया है। वो हमारे कब्जे में है। क्या, कौन बोल रहा है, कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं अंकल, मैं मनोहर, राधा भी मेरे साथ है। हमें पैसे चाहिए अंकल। पूरा 1 करोड़ रुपया। वरना आशुतोष की रगों में जो आपका खून बह रहा है ना, हम उसे करोड़ों नालों में बहा देंगे। अगर समझ गए हो तो पैसों का फौरन इंतजाम करो, मैं दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, आंटी को हमारे नमस्ते कहिएगा। बाय बाय। हेलो हेलो हेलो, लेकिन कमिश्नर साहब, आशुतोष तो अपनी माँ से ये कहकर गया था कि वो पिकनिक मनाने के लिए लोनावला जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर है ही नहीं। देखिए अर्जुन सिंह जी, हमने उनकी गाड़ी का नंबर हाईवे के हर चेक पोस्ट पर दे दिया है। और आपको जो ठीक लगता है कमिश्नर साहब, वही कीजिए, लेकिन हमारे बेटे को वापस ला दीजिए प्लीज कमिश्नर साहब। आप बेफिक्र रहिए अर्जुन सिंह जी, प्लीज बैठ जाइए। देखिए, हम ही आपका केस एक ऐसे काबिल और होनहार पुलिस अफसर को दे रहे हैं जिसने दिल्ली के मशहूर अरोरा फैमिली किडनैपिंग केस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। इत्तेफाकन अब वो अफसर बंबई में है। हवलदार, देखो ये फाइल इंस्पेक्टर मेहरा को दे देना, और उनसे कहना कि इस फाइल में केस की पूरी जानकारी के साथ साथ जिसे अगवा किया गया है उसकी तस्वीर भी है। किडनैप आ गया? नहीं, वो आशुतोष नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, कहाँ गया? कहीं भाग तो नहीं गया? चलो देखते हैं। चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई। देखो देखो। हाँ देखो देखो, रेडिएटर, वॉश पाइप, सब काला काला है। अब क्या होगा? अब थोड़ी देर में अस्थी की बस आती होगी, उसमें हम चलेंगे। ओके, मुंबई जलत गोवा। हेलो मामनो, हेलो। चलो। लेकिन ये हमारी बस नहीं है। यही हमारी बस है। ये तो गोवा की बस है, हमें लोनावला जाना है। हमने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की है। हम लोनावला नहीं, गोवा जा रहे हैं। नो, व्हाई नो? गोवा में क्या खराबी है? और वैसे भी हमें पिकनिक तो जाना है। और सच पूछो तो जवान जोड़ों के लिए गोवा से बेटर कोई जगह नहीं है। इट्स मेड फॉर रोमांस। लेकिन हमें गोवा नहीं जाना। लेकिन क्यों? क्यों? मैं गोवा देख चुकी हूँ। हाँ हाँ, कई बार। अच्छा, अगर गोवा देख चुकी हो तो ये बताओ कि हनुमान जी का मंदिर कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम गोवा गई हो, तुम बताओ। आशुतोष, लोनावला के सामने गोवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसे दीवाने प्रेमियों, एक बार गोवा चलो सब भूल जाओगे। ओ भाई साहब, आप लोगों को गोवा जाना है, लोनावला जाना है या बठिंडा, जल्दी डिसाइड कीजिए। मैं यहाँ पर रात भर खड़ा नहीं रह सकता। अरे 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 भाई, ये लो ये चाबी लो। अरे चाबी लो और जाकर सामान ले आओ। कम ऑन, चलो चलो फास्ट, कम ऑन फास्ट। मर गए। अब क्या होगा? होगा क्या, चलो गोवा, वहीं चल के देखेंगे। कुछ नहीं, वो मैंने एक बार गलती से कहा था कि ये चीखता समय बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ।
राधा राधा उठो उठो, गोवा आ गया। नहीं नहीं आएगा आएगा, ये क्या हो रहा है? हम लोग लोनावला जा रहे थे ना। अरे बाबा, इसने पूरा प्लान चौपट कर दिया है। अब हम गोवा जा रहे हैं। आजा आजा आजा, चल 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 चल। अर्जुन सिंह जी, कंप्लेंट किए 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम उस ऑफिसर से मिलना चाहते हैं जो हमारे केस की तहकीकात कर रहा है। वो वहां बैठी है। यू मीन एक औरत, एक लेडी पुलिस ऑफिसर को हमारा केस सौंपा गया है? जी इंस्पेक्टर। वेट, हम यहाँ वेट करने नहीं आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। तुम शायद नहीं जानती, हमारा नाम अर्जुन सिंह है। लोग हमारा इंतजार करते हैं, हम किसी का इंतजार नहीं करते। जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप देख रहे हैं मैं बिजी हूँ। इनसे फुर्सत पाते ही मैं आपसे बात करती हूँ। ऐसे ऐरा गहरा लोगों को हमसे ज्यादा अहमियत देकर हमारी तौहीन की जा रही है। ये लो हरिया पंचनामा, मैं अस्पताल में खबर कर देती हूँ। मिस्टर अर्जुन सिंह, इस कायनात में आपका बेटा ही एक बेटा नहीं है और इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक बाप नहीं है। अभी अभी जिसे आपने एरा गेरा कहा वो भी एक बाप है, उसका भी इकलौता बेटा है जिसे आप जैसे किसी रईस की गाड़ी ने उड़ा दिया। उसकी सांसें इस वक्त उस पंचनामे का इंतजार कर रही हैं ताकि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जा सके। सिर्फ इसलिए कि वो अर्जुन सिंह नहीं हरिया है, उसके बेटे की जिंदगी की कीमत आपके बेटे की जिंदगी की कीमत से कम है। आपके पास पैसा है, रुतबा है, ऊंचे हलकों में असर है, लेकिन उसके पास सिर्फ आंसू हैं। जिंदगी की हर कतार में वो सबसे आखिर में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, इसीलिए उसका हक पहला बनता है। लेकिन और रही बात आपके केस की, तो तहकीकात चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेटा जल्द से जल्द आपके सामने हो। एक ग्लास पानी पिलाओ इन्हें। हेलो हेलो हेलो, किसको फोन कर रही हो? पापा को। पागल हो गई हो? पापा की बहुत याद आ रही है मनु। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उदास है। याद तो मुझे ही बहुत आ रही है राधा, पता नहीं माँ क्या सोच रही होंगी, इसलिए मैंने बॉम्बे से उन्हें खत लिख दिया था। हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं माँ, जिसके करने से मेरी शर्त पूरी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है, तुम्हारा मन्नू। हे भगवान, पता नहीं वो क्या करने जा रहा है, उसकी रक्षा करना। माँ तो मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर माँ, I'm enjoying it, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तू सिर्फ दवा वक्त पर लेते रहना माँ। डैडी मेरे बारे में पूछ रहे थे, माँ उनसे ये नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ और मेरा फोन आया था। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं आकर बताऊंगा, बहुत मजे की बात है माँ। ओके ठीक है, आई लव यू। I love you too, bitch. Bye, mom. Hands up. तुम हमारे कब्जे में हो. You are kidnapped. लोनावला चलो. मैं नहीं, तुम मेरे कब्जे में हो। यू आर किडनैप्ड। तुम्हारी ऐसी हरकत का इंतजार था मुझे। मतलब? मुझे मालूम तो था तुम लोग क्या करने वाले हो, लेकिन अब रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए तो मैं तुम्हें लोनावला नहीं यहां ले आया हूं। अब मैं जहां चाहूं तुम्हें ले जा सकता हूं। अगर मैंने तुम्हें जान से भी मार दिया तो पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहूंगा कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया और मैंने अपने बचाव के लिए तुम्हें गोली मार दी। मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूं,
ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले, यानी पेशावर मुजरिमों के साथ जेल। लेकिन कुछ भी करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे पूरा पूरा सच बता दो, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, ये किडनैप करने का प्लान तुम दोनों के दिमाग का कसर नहीं हो सकता है। नहीं। तो फिर क्या के लिए? इसमें राधा का कोई दोष नहीं है, पूरा आइडिया मेरा ही था। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊंगी। अब रो रहे हो? ये सब करने से पहले नहीं सोचा किसका अंजाम क्या होगा बेटा? बोलो क्योंकि ये सब तुम लोगों ने अमीर बनने के लिए। हाँ, इसी मेरे पापा से वादा किया था कि मुझसे शादी करने के लिए ये अमीर बनेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारे पापा का प्लान है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर किसका है? मनु, तुम्हें मेरी कसम है, नटवर चाचू का नाम है बताना। नटवर चाचू? गुरु, इधर इधर। It is as simple as that, हाँ? वो तुम्हारा नट्टू मेरा लोनावाला में इंतजार कर रहा है। ठीक है, कल सुबह मैं वहां जाकर उसके 50 लाख का हिसाब पूरा करता हूँ, और तुम्हारा भी। हमारा? हाँ, तुम्हारा और तुम्हारी प्रेम कहानी का भी। चलो दूध पियो और सो जाओ। बॉटल में दूध निप्पल लगा के पियो। लगता है वो सो गया। My God, क्या डेंजरस आदमी है ना? I swear, हम उसे किडनैप करने निकले थे, उसने हमें ही किडनैप कर लिया। मनु, हम भाग चले? तो बैग किस लिए लाया हूँ? शीश। My God, कितना अंधेरा है ना? दिखाई भी नहीं देता। लाइट ऑन करती हूँ। अगर राधा जी मनोहर के नाम पर कमरा बुक नहीं है तो आशुतोष सिंह के नाम पर होगा। जरा जल्दी देखिए प्लीज। हाँ हाँ, हम देख रहे हैं। मालिक आ रहे हैं। वाह ठकराल साहब, वाह! क्या बात है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। नटवर, जेल से कब छूटे? कब का? मैंने तो हांगकांग में आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने मुझसे टेलीफोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। क्यों? मुझसे बात करना इतना आसान नहीं है नटवर। मैं एक एक पल में एक एक लाख रुपए कमाता हूँ। अगर 5 मिनट का वक्त मैं तुम्हें दूं, तो तुम खुद हिसाब लगा सकते हो कि सौदा कितने का हुआ। ऐसा कौन सा शैतान का जप आपके हाथ लग गया ठकराल साहब कि आप एक मामूली ठग से इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए? देखना चाहते हो? चलो मेरे साथ। ये कहाँ ले आए आप ठकराल साहब? ये कार पार्क? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। ठकराल साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। आप मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। जीप से ये मिला? नहीं साहब, नहीं,
मुझे पता नहीं कि मेरी जेब में कैसे आ गया सर, आपको तो मालूम है कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ सर। सर 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 मुझे मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने चोरी नहीं की सर, मत मारिए सर, नहीं सर नहीं, मुझे एक चांस और दीजिए सर, मुझे एक मौका और दीजिए सर, मैं आके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मुझ पर रहम कीजिए सर। ठकराल का सोना हजम करने के लिए ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं, वो भी बिना पानी के। एक वो सोने की लंका थी जो रावण ने बनाई थी, और एक ये सोने की नगरी है जो ठकराल ने बनाई है बेईमानी करके। गैर कानूनी लोगों को हथियार सप्लाई करके, लोगों को देश के खिलाफ भड़का के, आवाम की बेवकूफी का फायदा उठा के, उनको लूट के, उनका सर्वनाश करके मैंने ये 50 करोड़ का सोना कमाया है। ठकराल साहब, आपके पास इतना सब कुछ है, मगर माफ कीजिएगा, मेरे मुकाबले में आप गरीब हैं। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास आशुतोष है। आशुतोष? हाँ, अर्जुन सिंह का इकलौता बेटा आशुतोष, पूरे 200 करोड़ की असामी है वो। कहाँ है वो? यही कहीं आपके होटल में है ऊपर, मेरे बहकाए हुए दो बेवकूफ बच्चों ने उसे किडनैप किया है। एक बार आशुतोष मेरे कब्जे में आ गया तो मैं उन दोनों प्रेम दीवानों को और आशुतोष को खून। हाँ। कत्ल। ओ हाँ। मर्डर। ओ मर्डर 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 मर्डर। ओ माय गॉड, लपुर चाचू चाचू नहीं खूनी है। खून होने से पहले हम लोग यहाँ से भाग चले। हाँ, वो जाने में आशुतोष। आशुतोष बेचारे का क्या दोष है इसमें? हाँ, बिना वजह मारा जाएगा वो, और पाप हमें लगेगा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, उसे जाकर सब कुछ बता देते हैं ताकि वो भी यहाँ से भाग चले। चलो चलो। अरे 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 आशुतोष, क्या कर रहे हो? खोल दो प्लीज। अब तुम दोनों वहीं पड़े रहो, पुलिस आके तुम्हें बाहर निकाल। आशुतोष प्लीज, हमें अंदर आने दो। वो नटवर चाचा यहाँ पहुँच गए। अच्छा प्लीज, अब नटवर से डर कर तुम लोग मेरे पास आए? हाँ, वो तुमसे भी ज्यादा इंजरित आदमी है। वो कह रहा था हमें तुम्हारी मार डालेगा ही, लेकिन तुम्हारे पापा से पैसे लेकर तुम्हें भी मार डालेगा। तो मुझसे क्या चाहते हो? माफी, मदद। हम घर वापस चले जाएंगे और मैं अमीर होने के सपने छोड़ दूंगा। तुम लोगों ने ये खेल शुरू किया है, अब तुम लोग ही मेरे साथ चलकर उस खटमल से निपटोगे। चलो बताओ कहाँ है वो। नहीं आशुतोष, मेरे ख्याल से हम यहाँ से भाग सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे हम। उस जैसे 10 के लिए मुझ जैसा एक ही काफी है। वो 10 नहीं, 50 है। 50? भाग चलो। I'm sorry. It's all right. Go on.
गोली मार दूंगा। लेकिन ये बंदूक तो खाली है ना। Excuses, भाई साहब, हमारा मतलब आपकी पार्टी को डिस्टर्ब करने का नहीं था। आप लोग अपना कार्यक्रम चालू रखिए, हम लोग चलते हैं। आज हम गेलो पेद्रो पात्राचो जन्म दिस असा आणि त्याच्या खातिर तुके गाणे गावचेच पडतले। किदे राष्ट्रीय भाषा? आज हमारे पेद्रो साहब का बर्थडे है। पेद्रो और पेद्रो साहब के बर्थडे पे गाए बगैर कोई नहीं जा सकता। किदे वो क्या है जी कि हम थोड़ी सी जल्दी में हैं। अभी वापस आकर गाना गाते हैं। जुड़ा गया जास्ती पिट पिट नहीं, इधर अपुन का हुक्म चलता है। गाना गाने को बोला तो गाना गाने का। कितने? यस सर। मैं गाऊं ये तुम गाओ ये सब गाए। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ मिस्टर पेड्रो। मैं गाऊं ये तुम गाओ ये सब गाए। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ मिस्टर पेड्रो। पेड्रो मैं गाऊं ये तुम गाओ ये सब गाए। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ मिस्टर। सुनो यारो तुम ये लव स्टोरी, 17 बरस के ये छोरा छोरी। भाग आए घर से चोरी चोरी, कितनी हसीन है ये इनकी जोड़ी। एक जाम इनके नाम उठाओ, साथ मेरे तुम सब झूम के ये गाओ। अरे ये गाओ मैं गाओ गाए। Happy birthday to you, oh mister. Happy birthday to you, oh mister.
दुश्मन लव स्टोरी में होते हैं विलन ये दुनिया प्यार की दुश्मन सब झूम के ये गाओ अरे ये गाओ मैं गाऊं ये सब गाए Happy birthday to you oh mister Happy birthday to you oh mister Pedro Pedro के बर्थडे पे गाना गाए बगैर कोई नहीं जा सकता किदे आशुतोष 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 जल्दी आशुतोष आशुतोष मुझे ये जिंदा चाहिए सुमन क्या हुआ सुमन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आशुतोष किसी मुसीबत में है क्या ये लो थैंक्स बहुत दर्द हो रहा है गोली खरोच के निकल के बस सॉरी आशुतोष ये सब मुसीबत हमारी वजह से पड़ रही ना तुम पर और फिर भी हमें बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी क्यों क्योंकि मैं प्रेम शब्द का अर्थ जानता हूं तुम्हारा प्रेम कामयाब हो जाए तो मुझ जैसे प्रेम दीवाने के लिए उससे बढ़कर तसल्ली और क्या हो सकती है हमने तुमसे पहले कई बार पूछा लेकिन तुमने हमें अपनी लव स्टोरी कभी नहीं सुनाई आज तुम्हें अपनी लव स्टोरी सुनानी होगी आशुतोष प्लीज सुनाओ ना मेरी लव स्टोरी मेरी शिवांगी
तलाश करते करते थक गया, लेकिन शिवांगी उसके बाद मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी याद में आंसू बहाने के बजाय मैंने शिवांगी को अपनी मुस्कुराहट बनाकर अपने होठों से लगाए रखा। और इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है यह हमें आज पता चला। मेरी अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों को अपनी खुशी मिले। मनु, अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो। इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। हम शिवांगी को जरूर ढूंढ निकालेंगे आशुतोष। तुम्हारी शिवांगी तुम्हें जरूर मिलेगी। वो दुनिया के किसी कोने में भी होगी ना, हम उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मिसेस सिंह, मैं आपको आपके पिता के हवाले करने आई हूँ। ये वर्दी शिवांगी? ये दोनों वही है ना जिन्होंने आपको किडनैप किया है? सुना तुमने? अरे इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आया हूँ। और हमें मालूम ही नहीं था। शुश, शुश, शुश। क्या? देखिए आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहिए। अरे शिवांगी तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भी इनकी लव स्टोरी सुनोगी ना तो तुम भी इनकी फैन हो जाओगी। बहुत प्यार करते एक दूसरे को, घर से बाहर आए। अरे प्रॉब्लम क्या है कि लड़की नाबालिग है। तब तो मैं इन्हें जरूर अरेस्ट करूंगी। अरे रे, ऐसा मत करना, मनु को 7 साल की जेल हो जाएगी और जब तक मनु बाहर निकले राधा इंस्पेक्टर बन चुकी होगी और मनु बांसुरी बजाता रहेगा। Enough of this nonsense. गिरफ्तार कर लो इन्हें। आशुतोष, छोड़ दो इन लोगों को। इंस्पेक्टर शिवांगी मेहरा, मैं आशुतोष सिंह तुम्हें अपना बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ और तुम्हें अपने कैद में तब तक रखूंगा जब तक राधा और मनु का प्यार कामयाब नहीं हो जाता। छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ूंगा, बहुत सालों बाद मिली हो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार? मैं गोली चला दूंगा। मैं दीवाना हूं और सिर्फ दीवाना ही नहीं, प्रेम दीवाना। मैं कुछ भी कर सकता हूं। राधा, सामान, मनो, हथकड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मनो, 1, 2, 3, 4। लगता है यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना सामान निकाल लो। आइए। अरे अरे ये क्या कर रही हो? हैंडल टूट जाएगा ना, बेड़ियां खोलनी है। मैं खोल देता हूँ, चाबी मेरे पास है। हैप्पी मिस्टर सिंह, ये जीप वापस लीजिए वरना। Isn't she cute? कुछ सीखो इनसे। मोहब्बत की लड़ाई ऐसी होती है। Come on darling, नीचे उतरो वरना मैं गोली मार दूंगा। तुम क्या समझते हो तुम मुझसे मनमानी करवा सकते हो? I'm not your bloody servant. I'm a soldier. Come on. Fight me if you can. Come on. मैं पुलिस पे हाथ नहीं उठाता। Come on now. Fight me. Man to man. Man to woman. मैं और कभी भी हाथ नहीं उठाता। लेकिन मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। Come on, Ashutosh. Come on. Come on, Shivangi. क्या कर रही हो? वाला चिवागे। कम ऑन चिवागे। कम ऑन आशुतोष, कम ऑन।
छोड़ ना, क्या कर रही हो? हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया है। वो इंस्पेक्टर जिसे आपके बेटे को छुड़ाने के लिए भेजा गया था, आपका बेटा उसी इंस्पेक्टर को बंदी बनाकर ले गया है। You mean इंस्पेक्टर? Yes, I mean इंस्पेक्टर शिवांगी मेहरा। कातिल आगे आगे, दीवाना पीछे पीछे। hey! कानून के साथ मजाक नहीं। सॉरी कानून जी। एक मिनट, गले में मंगलसूत्र तो नहीं है और मांग में सिंदूर भी नहीं, इसका मतलब तुमने अब तक शादी नहीं की। क्यों? मैं जानता हूँ क्यों। दिली दिल में अभी तक आशुतोष को ही चाहती है। क्यों शिवांगी? मैं आशुतोष से नफरत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। मैं शिवांगी से प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। मत छुओ मुझे। अरे तुम्हारे पैर में मौच आई है, अभी ठीक कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मनु, हाँ, बंदूक उठा, लगन के सर पर। हाँ, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो चला देना गोली। कैसा चांस? मुझे अपनी बाहों में उठाने का, वरना मैं तने के पार कर जाऊंगी। You are right. Come on. That's a good boy. मैं समझ गया डैडी, सब समझ गया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या? ठीक है, कर रहे हो तुम? Don't worry. नीचे उतारो मुझे। Easy. देखो, ज़्यादा हिलोगे तो तुम गिरेंगे। मैं तुम्हें बहुत करती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। गया कानून पानी में। चलो कमान शिवांगी, कमान। अरे ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। क्यों पारी, डॉक्टर राधा है ना यहाँ पर, सर्दी से बचने का सबसे सरल उपाय। मेरे कपड़े पहन लो, मेरे पास बहुत है। क्लिंटसवुड, बंदूक भरी हुई है, बाजू में रख। ओके।
क्या बदतमीजी है? वो सन कौन? पागल सन मेरे पीछे लाल चड्डी मैं कहाँ है वो? वो यही पागल झूठ बोल रहे तुम जानबूझकर मुझसे टकराए। नहीं नहीं तुम्हारी कसम तुम्हारी ये बचकाना हरकतें तुम्हें पसंद होगी मुझे नहीं मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी यू अंडरस्टैंड शट अप यू शट अप ओके मनु समझ गया हाँ प्लीज बातों बातों में एक बात बताना भूल गया तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो सच्ची गुरु 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 ये सब मुझे यहाँ से मिला इसका मतलब वो जरूर यहाँ पर आए थे नटवरलाल को धोखा देना इतना आसान नहीं है इन सब हरामजादों की मौत मेरे हाथों लिखी है शिवांगी इतने सालों से जिस मौके की तलाश थी मुझे वो मुझे आज मिला है तुम्हारी हर गलतफहमी हर नाराजगी का जवाब है मेरे पास आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा शिवांगी तुम हो कौन जिससे मैं शिकायत करूं मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं शिवांगी मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मेरी नजरों में तुम एक गुनहगार हो सिर्फ गुनहगार एक रईस बाप के अय्याश बेटे होने के नाते शायद तुम भूल गए हो कि जिंदगी सिर्फ गरीब लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फांस कर उनसे झूठे वादे करके उन्हें धोखा देना ही नहीं जिंदगी और भी कुछ है जिसका पता तुम्हें उस वक्त चलेगा जब तुम जेल जाओगे अपनी इस गैर कानूनी हरकत की सजा भुगतने सजा तो मैं अभी भुगत रहा हूँ शिवांगी तुमसे दूर रहकर मेरा यकीन मानो मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली मिल भी जाती तो मेरा जवाब वही होता जो आज है नफरत 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 आशुतोष और शिवांगी अभी नहीं मिलेंगे तो कभी नहीं मिल पाएंगे हाँ मैं 18 की हो जाऊंगी हम अपने अपने घर चली जाएंगे और आशुतोष और शिवांगी फिर से बिछड़ जाएंगे हाउ सैड माय गॉड मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है राधा तुम्हें इतने जल्दी 18 का नहीं होना चाहिए लेकिन मैं 18 की होने के लिए मजबूर हूँ मनु दुनिया की कोई भी ताकत मुझे 18 की होने से नहीं रोक सकती माना कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता लेकिन हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं इतना सब करके तो हार गए हम राधा प्यार करने वाले कभी हार नहीं मानते और फिर आशुतोष ने हमारे लिए इतना कुछ किया है क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते कुछ सोचो राधा सोचो थिंक सोच लिया क्या सेक्स हाँ सेक्स हम नफरत को सेक्स ही जीतेंगे मतलब ये कि जब हम उनके सामने एक जवानी से भरा नजारा पेश करेंगे उनके अंदर जरूर कुछ कुछ होने लगेगा और उस कुछ कुछ के आगे वो बेकाबू हो जाएंगे सारा झगड़ा सारी नफरत खत्म तो हो जाए हो जाए ला 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 ये हो रहा है ये हो न जाए ये हो गया तो वो हो न जाए ये हो रहा है ये हो न जाए ये हो गया तो वो हो न जाए वो हो गया तो हाय 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 ये हो रहा
बहू समझते हैं सारे दोनों का मतलब समझते हैं सारे सबको खबर है ये सबको पता है ये कि ये हो रहा है ये हो न जाए ये हो शिवांगी मुझे तुम पर तरस आ रहा है बहुत तरस आ रहा है आंखें होकर भी अंधी हो तुम तुम्हारे लिए आशुतोष का प्यार मैं देख सकती हूँ मनु देख सकता है ये हवा ये पत्थर ये झरना ये सारी कायनात देख सकती है लेकिन तुम नहीं देख सकती हाँ शादी के दिन वो मंदिर नहीं पहुंच पाया जानती हो क्यों क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी उसने तुम्हें खत भी लिखा लेकिन उसके पापा ने खत बदल दी ये सब सच है शिवांगी वो तुमसे बहुत प्यार करता है उसे उस गलती की सजा मत दो जो उसने कभी नहीं की यकीन मानो शिवांगी उसे इसका प्यार वापस लौटा दो आई बेग यू प्लीज प्लीज शिवांगी प्लीज आशुतोष की इस झूठी कहानी पर तुम विश्वास कर सकती हो राधा क्योंकि तुम अभी तक नादान हो
बच्ची हो। भगवान न करे अगर मेरी तरह तुम्हें भी दुल्हन बनाकर शादी के मंडप में मन्नू छोड़कर चला गया तो। शिवांगी, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन अगर मन्नू और राधा के प्यार के बारे में तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ना आप ठीक तरह से खाना खाते हैं ना बात करते हैं। मेरी मर्जी, बात करूँ ना करूँ, खाना खाऊं ना खाऊं। दरअसल मुझे भी मन्नू की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं आती किसी की याद, ना ही मुझे किसी की फिक्र है, ना ही परवाह। मन्नू आपका बेटा है, वो जहाँ भी है सही सलामत है। डर क्या रहे हो? तुम्हारे पास पिस्तौल है, शूट। नहीं नहीं नहीं, इसकी नागिन तुमसे बदला लेगी तो। साहब, आवाज से शायद आज तो शहीद हो गए होते, है ना राधा? राधा कहाँ है? राधा? Oh my God! राधा! 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 आशुतोष, राधा अंदर फंस गई है। राधा,
क्या हुआ? हुआ क्या उसे? क्या हुआ मेरी राधा को आशुतोष? राधा, 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 वो बात क्यों नहीं कर रही आशुतोष? वो बात क्यों नहीं कर रही? राधा बात करो मुझसे। नहीं जाओगी जिंदाबाद मोहब्बत।
साथ जिंदाबाद। ऊपर वो ऊपर वाले के बाद मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। तुझ पे कुर्बान हूँ मैं, तुझको कुछ हो जाए तो मैं हो जाऊँ बर्बाद। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। ऊपर वो ऊपर वाले के बाद मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद।
कल राधा बालिग हो जाएगी। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारा बयान लिखवा सकूं कि राधा और मन्नू बेकसूर हैं। और मैं शिवांग, मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहता था। डांस स्कूल छोड़ने के बाद तुम कुछ भी कर सकती थी, फिर ये पुलिस की नौकरी क्यों? तुम्हें मेरा भाई याद है? हाँ, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पिताजी उसे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे, ये उनका सपना था। मेरा तो कोई सपना रहा नहीं, तो सोचा पिताजी का ही सपना पूरा कर दूं। चलो इसी बहाने हमारी मुलाकात तो हो गई। हमने फैसला कर लिया है, हम सबसे पहले शादी करेंगे। हाँ, मंगी मंगी ऐसी छोटी मोटी रस्में तो बाद में भी हो सकती है। और वो अमीर बनने की शर्त जो तुमने मंजूर की थी, वो मैं पूरा करूंगा ना। मैं दूंगा मनु को पैसे। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना तो कोई मर्दानगी नहीं है मनु। अगर मैंने कोई चुनौती स्वीकारी है तो उसे मैं पूरी करूंगी, कोई दूसरा नहीं। मतलब अब तुम्हें ये फैसला करना चाहिए मनु कि तुम राधा को अपने बलबूते पर पाना चाहते हो या भीख में। सो ये तुम्हें क्या हो गया शिवांगी, कम से कम इनको तो खुशी मिलने दो। इन बेचारों के मुंह तक आए निवाले को छीनना चाहती हो तुम। एक मिनट आशुतोष, शिवांगी ठीक कह रही है, मैं राधा को अपने बलबूते पर ही पाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा। अरे ओ, अमीर होना कोई आसान बात है क्या? उम्र निकल जाएगी, उम्र फिर जाके इसके पापा से कहना मैं अमीर हो गया हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बूढ़े हो जाके बात करता है। गलत, मैं हवलदार लोहा सिंह का बेटा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। शिवांगी, अगर तस्करी का सोना पकड़ा जाए तो सरकार 20% इनाम देती है, राइट? राइट। तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ स्मगल किया हुआ सोना रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ठकराल के गोदाम में। हाँ, मैंने भी देखा है। क्या देखा है? अबे हो, सोना तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात, अगर ठकराल के गोदाम के आसपास भी दिखा तो मार देगा तुम दोनों को। ऐसा नहीं होगा, वहाँ पुलिस पूरी तैनात में मौजूद होगी। अरे तुम्हारे तैनात जाने के बाद इनको कौन संभालेगा? वो क्या ठकराल बिना बदला लिए इनको छोड़ देगा? अरे उससे अपनी दुश्मनी निभाने दो आशुतोष, हम भी अपनी आशिकी निभाएंगे मरते दम तक। तो मरो मरो, खुशी से मरो। हाँ, मैं नहीं हूँ तुम लोगों के साथ। I'm not with you guys. जाता हूँ मैं। भाग रहे तुम सब लोग। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? शेर के मुंह से निवाला छीनकर उन लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। मौत जरूर होगी चक्राल साहब, लेकिन राधा और मनु की। आशुतोष तो हमारे लिए नोट छापने वाली मशीन है। तो लाओ सारा ज्यादा आशुतोष को हमारे सामने। मूंगफली का छिलका मेरी जान के बदले तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पर अकेला आया हूं निहत्ता तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी जान में दम है तो पकड़ो। पकड़ो इसे। फेंक दो, मुझे मत पकड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। हरामजादे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आई डोंट माइंड, मैं यहाँ इसलिए तो आया हूँ ताकि मैं अपनी महबूबा के पास अपनी मोहब्बत के ताजमहल में मरूं। थैंक यू वेरी मच। अब मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। थैंक यू। अब तुम लोगों को यहाँ उल्लू बनाकर लाया हूँ और वहाँ तुम्हारा 50 करोड़ का सोना पुलिस कस्टडी में। पकड़ लो इस हरामजादे को।
सोमू, ओ सोमू। अरे व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या हुआ? मन्नू और राधा का पता चल गया। पता चल गया? और तो और, मन्नू को सरकार इनाम देने वाली है मेरी बेटी को भगाने के लिए। ओ नहीं हुए, उसने 50 करोड़ का सोना पकड़वाया है। ऐसा? ये खबर कमिश्नर साहब ने खुद मुझे फोन पर दी है। कमाल है, आशुतोष तो कहीं भी नहीं। गया कहाँ? आशुतोष को किडनैप करने की बजाय हमारी सोना ले उड़े। अब आशुतोष की जान बचाने के लिए वही सोना तुम्हें वापस करना होगा, समझे? इसका मतलब आशुतोष तुम्हारे कब्जे में है? और हम उसे जान से भी मार सकते हैं। मौत की चौखट पर खड़ा है वो। हमने उसे उसी बंगले में कैद कर रखा है जहाँ उसने अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना रखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें सबूत चाहिए? तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। अगर आज रात तक हमारा सोना वापस नहीं लाए तो कल सुबह आशुतोष की अस्थि को कांडा देने चले आना। राधा, पुलिस सोना सेफ कस्टडी में शिफ्ट कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, एक एक करके सारे बक्से वैन में लोड कर रहे हैं और चारों तरफ पुलिस बंदूकें लेकर खड़ी है। इसका मतलब कि अगर हमने सोना ले जाने की कोशिश की तो हम पर गोलियां चल जाएगी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस थोड़े से वक्त में हमें अपने आप को अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर देना है। हेलो हीरो, तुमने तो बड़ी बहादुरी दिखाई। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। शिवांगी, आशुतोष की जान बचाने के लिए सोना ले जाना बहुत जरूरी है। क्या? बहुत खूबसूरत है। हाथ नहीं लगाना मेरी शिवांगी को। जो पूछने से पहले कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ठकराल की जहरीली भूख काफी है तेरी जिंदगी में अंधेरा करने के लिए। ना 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 ठकराल साहब, ना काम हो जाने के बाद और फिर इसकी चिता जलाकर ही तो हमने अपना घर रोशन करना है। चल 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 नहीं यहाँ क्यों लाए नेपर? ओहो ठकराल साहब, ये चिल्लाता बहुत है। इसके हाथों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद कर देना चाहिए था। हाँ, काट देते हैं इसकी जुबान। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हाँ, तुम्हारी यही दुखती रग मैं कब से पकड़ना चाहता था अर्जुन सिंह। तुम अपने बेटे की खैरियत चाहते हो ना? हाँ। तो ये लो, इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर दो ताकि तुम्हारी 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाए। नटवर, मेरा सोना कहाँ है? ठकराल साहब, एक ही पत्थर से दो पंछियों का शिकार किया है मैंने। आशुतोष की ही जान बचाने के लिए राधा और मनु आपका सोना लाते ही होंगे। बस नटवर, अगर मेरा सोना मुझे नहीं मिला तो ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं। सोना तो क्या, ठकराल के मुंह की बात भी छीनने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं बिना पानी के। मेरा सोना कहाँ है नटवर? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आपका सोना आपको मिल जाएगा ठकराल साहब। लेकिन उससे पहले इस कागज पर इस आरामजादे का कलम खिसवाते हैं। चलो दस्तखत करो। आप साइन मत करना डैडी। चुप, देखो खामोशी से इस कागज पर दस्तखत कर दो वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का वो हश्र करूंगा जो ना कभी तुमने सोचा होगा
और ना कभी देखा होगा। चलो कर दो दस्तखत। नहीं काजी, नहीं, ये ऐसे नहीं मारेगा। साइन मत करना काजी। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चला, रुक जा, मैं साइन करता हूँ। हाय चाचू। हम आ गए। इंस्पेक्टर शिवांगी मेरा हमें सोना ले जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन ये हमें क्या पकड़ती, हम भी सर पे कफन बांध कर निकले थे, खुद ही पकड़ी गई। और मेरा सोना? चाचू आपका काम हो गया? हाँ? ए, अर्जुन सिंह जी को ले जाना से। लेकिन चाचू, चाचू प्लान के मुताबिक सारा सोना आपके गोदाम में रख दिया है। क्या बाजू बाजू चाचू, पूरे 50 करोड़ का सोना है। हाँ चाचू, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल जाएगा, पहले ये बताओ कि सोना है कहाँ। नटोर ठकराल से दगाबाजी, कमीने, तूने मेरा सोना चुराया है। ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल। बात हो गया ठकराल साहब, बार बार आप यही कहते हैं, अब आप मेरी बात सुनेंगे। ये इनकी एक चाल है, हाँ ये सिर्फ इनकी एक चाल है, ये सब पे सब आपके हाथों मुझे मरवाना चाहते हैं। इस इंस्पेक्टर जी को गौर से देखिए और फिर ये तमाम तस्वीरें देखिए, जिनसे आशिक ने अपनी मोहब्बत का ये ताजमहल बनाया है। ये वही लड़की है ये इनसे मिली हुई है, गौर से देखिए इस लड़की को, आप गौर से देखिए, ये इनकी एक साजिश है। खोलकर वो काम किया जो मैं कभी कर नहीं सकता था। अरे अब कौन मरना चाहता है, अब तो मैं जीना चाहता हूं अपनी जान के साथ। तुमने चाहा और हो गया। जरा देखो अपनी चारों तरफ, देखो जरा सी जुम्बिश और ठकराल की गोली तुम्हारी खोपड़ी में। अगर आशुतोष पर किसी ने निशाना भी लगाया तो ठकराल का भेजा उसकी खोपड़ी के बाहर होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये दोनों अपनी जान खो बैठेंगे। हाँ, हाँ। हमें बचाओ। नटवर छोड़ दो, नटवर खत्म कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, डाकू गंगा प्रसाद वल जमुना प्रसाद चौधरी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डाकू गंगा प्रसाद वल जमुना प्रसाद चौधरी, ये कौन है? मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ डाकू गंगा प्रसाद वल्द जमुना प्रसाद चौधरी, और किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं जी, ये क्या कर रहे हैं गंगा जमुना जी, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह चोर चक्का और बदमाश हूँ, और फिर सारी दुनिया जानती है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ।
तुम शरीफ नहीं हो? ना जी ना, मेरी शक्ल देखिए, मैं कोई शरीफ लगता हूँ? मैं तो बिल्कुल 420 लगता हूँ, 420। हाँ, तुम तो शक्ल से ही खानदानी घटिया आदमी लगते हो। जी। और ये लाल लंगोट वाला? जी, ये तो मुझसे भी ज्यादा कमीने और गए गुजरे है, मेरे गुरु ही है। कमाल है, वहाँ एसपी लाखन सिंह वर्ल्ड माखन सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ कोई भी शरीफ आदमी नहीं है जिसे मैं बंदी बनाकर निकल जाऊं। है क्यों नहीं, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, इंस्पेक्टर शिवांगी हैं, वो तो बच्चे हैं। तब तो मेरा मिशन कामयाब, इन बच्चों को छोड़ दो। तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं डाकू गंगा प्रसाद? अगर तुमने सचमुच अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ अंदर। नो शूट, नो माँ का दूध, मैं लाया हूँ बाप का बारूद। सी डायनामाइट, अगर तुम मुझ पर गोली चलाओगे तो मैं एक बॉम्ब जैसा धर्म ब्लास्ट, और मेरे साथ तुम सब लोग धर्म ब्लास्ट। ओ तेरी ते, बी क्वाइट, अपने अपने हथियार फेंक दो, थ्रो। सब लोग इधर चलो, ए तुम इधर चलो, चलो चलो चलो। ये वायर क्या है? ये तूने क्या किया राधा डॉक्टर? सामने तुम कौन हो? हवालदार रोहन सिंह। बच्चे मनु और राधा को मारने की कोशिश कर रहा था। गद्दार, अंडर अरेस्ट। चलो मनोहर और राधा, तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत किए देते हैं, तुम्हें जो तोहफा चाहिए इस पर लिख लो। सच? हाँ सच। एकदम से अमीर होने का इससे बड़ा मौका मिल ही क्या सकता है? You're right. आपकी तमाम दौलत का हिसाब है हमारे पास, आपकी 6 फैक्ट्रियों में से 4 हम रख लेते हैं, 4 गाड़ियां, 2 आप रख लीजिए, 5 होटल, 3 हमारे, 2 बंगले, 1-1 और 1 टी एस्टेट हम ही रख लेते हैं, और आपका तमाम बैंक बैलेंस और नकद ये लीजिए, और जल्दबाजी में अगर हम कुछ भूल गए हो तो वो भी लिख दीजिएगा। हमें पता था तुम कुछ ऐसी हरकत करोगे, तुम जैसे नौजवानों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।
लो बेटे पढ़ो इसे और इतनी जोर से पढ़ो कि दुनिया के हर अर्जुन सिंह को सुनाई दे। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए अर्जुन सिंह जी, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आशुतोष का हाथ शिवांगी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। आशुतोष बेटे, शिवांगी मन्नू आशुतोष के पिताजी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानती हूँ। वो टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी। तुम ठीक कहती हो सुमन, मैं शिवांगी से माफी नहीं मांग सकता। मैंने अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है, जिन हाथों से मैंने वो खत बदलने का पाप किया है उन्हीं हाथों से मैं उसके पैर नहीं छू सकता। बाबूजी, आपके हाथों की जगह हमारे पैरों पर नहीं, हमारे सर पर है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो लोग पूछते हैं क्यों लेट आया। आप तो तुम्हें शिवांगी की तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, अब इस घर में सिर्फ एक ही पतला होगा वो। ऊपर वो ऊपर वाला ऊपर वाले के बाद मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद।